तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है एक और दिन और आज हम लाचुंग से निकल के कई और, तो सुबह के बज रहे अभी 6 और हमारा ड्राइवर साहब भी आ चुके हैं। हम लोग का ब्रेकफास्ट भी आज पार्सल हो रहा है। तो इस होटल में हम लोग जो थे लाचुंग कॉन्टिनेंटल, तो कल तो मैं शाम के वक्त आया था तो मैं आपको बाहर का व्यू तो नहीं दिखा पाया था, तो आज आप इसका बाहर का व्यू देखिए। तो ऐसा कुछ है बाहर का व्यू, लुको मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये रहा बाहर का कुछ व्यू, वैसा कुछ खास व्यू नहीं है लेकिन डिसेंट सही है। और ये एक यहाँ से व्यू है और एक वहाँ से एक व्यू है, लेकिन वहाँ से भी कुछ खास व्यू नहीं है। तो ऐसा है व्यू, ये मेन गेट है, यहीं से हम अंदर आए थे। बात ये है कि अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में 6 बजे और हम लोग का ब्रेकफास्ट पार्सल भी हो रहा है। तो इस होटल में भी हम लोग का डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड है। तो आज हम लोग जाएंगे 0 पॉइंट और युमथंग वैली, अगर आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, और अगर आपको ये व्लॉग और अगले व्लॉग और भी ज़्यादा व्लॉग देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए इस फैमिली का हिस्सा, और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे कोई व्लॉग्स कोई भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो मैं आ गया हूँ बाहर, अभी हम लोग का गाड़ी आया नहीं है, ड्राइवर सब तो रेडी है लेकिन गाड़ी अभी तक आया नहीं है। तो ऐसा कुछ है हम लोग का होटल लाचुंग कॉन्टिनेंटल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है लाचुंग कॉन्टिनेंटल। पीछे का व्यू देखो, जस्ट ये देखो। हम लोग को व्यू रूम विथ व्यू वाला तो मिला नहीं, बहुत कोशिश किया था, लेकिन ये देखो व्यू देखो यहाँ से। और ये था हम लोग का होटल। अगर आपको ये होटल देख के याद आ रहा होगा, कुछ ही दिनों पहले या सालों पहले, मतलब एक साल पहले शायद 200 जर्नीस के डोलेश भाई भी इसी होटल में ठहरे थे। अगर डोलेश भाई आप ये व्लॉग देख रहे हो तो ज़रूर बताना। तो ये था हम लोग का होटल। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से 0 पॉइंट और युमथंग वैली। तो देखते कब तक ड्राइवर आते हैं, कब तक नहीं, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे लंच करने। लंच करने के बाद यहाँ से चेकआउट करके आ जाइए, हम लोग वापस गैंगटॉक चले जाएंगे। तो गैंगटॉक में हम लोग का एक दिन का स्टे है, तो ऐसा ही हो रहा है हम लोग का प्लान अब तक का। तो etripto.in से जो पैकेज, मतलब जो भी प्लानिंग था, सब कुछ ठीक ठाक सा था। थोड़ा सा दो दिन से जो खाना हम लोगों ने खाया था वो थोड़ा एवरेज था, लेकिन इस होटल का खाना मेरे को अच्छा लगा। ये वेज होटल है, इस होटल का खाना मेरे को अच्छा लगा, नो डाउट। तो चलिए अब मैं आपसे डायरेक्ट थोड़ी देर में मिलता हूँ। पहुंच चुका है युमथंग वैली, द वैली ऑफ फ्लावर्स। आते वक्त बहुत से फूल है, हाँ तो आते वक्त बहुत से फूल थे, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है। दुको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखो हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है, देखा ये है स्नोफॉल। फाइनली लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देखने का मौका मिला, और यहाँ पे पूरा युमथंग वैली। अब देखो यहाँ पे पूरा जम के स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे युमथंग वैली में। हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट तो पता ही आपको, मोमो और मैगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो भी कहो, यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रहा है ना, अल्टीमेट एक्सपीरियंस दे रहा है। यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे 0 पॉइंट की तरफ। मेरे मम्मी पापा नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी सांस की तकलीफ हो सकती है, तो वो लोग यहीं पे रहेंगे, ये लोग यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, और आप कुछ स्लोमो एंजॉय कीजिए।
लोग कैसा लगा आप लोगों को स्लोमोज यहाँ का। अब हम जा रहे हैं सीधा जीरो पॉइंट की तरफ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे और अभी हम लोग अपने गंतव्य स्थान जीरो पॉइंट की तरफ निकल गए। चलो मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है ये बैकग्राउंड बताइए। ये है जीरो पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सफेद। देखिए गाइस, यहाँ पे स्नोफॉल, बर्फ और क्या चाहिए। मैंने आपको पूरे इस सीरीज में, नॉर्थ सिक्किम के सीरीज में, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब आपका एक ही काम है, इस व्लॉग को एक लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। वैसे एक्चुअली में हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे ये जीरो पॉइंट नहीं है, जीरो पॉइंट थोड़ा और ऊपर है, लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसलिए हम लोगों को ऊपर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन मेरा जो ड्राइवर है उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे शूट करो, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो अब आप कुछ स्लोमो एंजॉय कीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। लगा आप लोगों को ये स्लोमो? हमने बहुत देर यहाँ पे रुका, बहुत से स्लोमोस लिए, होप आपको अच्छा लगे ये स्लोमोस। चलो अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? युमथांग वैली। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे युमथांग वैली, वहाँ पे हमारे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। युमथांग वैली में है क्या देखने को? वैली ऑफ फ्लावर्स, जैसा कि आपको सुनाई दिया, वैली ऑफ फ्लावर्स। युमथांग वैली इज नोन फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अब हम लोग वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने पहला स्टॉप लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं अपने मम्मी पापा से मिलके। वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग टॉपिंग करके फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हम लोग आए हैं जीरो पॉइंट से, हम लोग अभी जीरो पॉइंट गए थे आप जैसा कि आपने देखा था। उसके बाद रास्ते में थोड़ी देर पहले आपने एक शॉट देखा था, एक वैली सा, ये जो पहाड़ पीछे देख रहे हो युमथांग वैली, ये है वो युमथांग वैली। हम लोग अभी 12,000 फीट ऊपर है, युमथांग वैली है। चलो अब आपको नीचे लेके चलते हैं, यहाँ पे युमथांग वैली में क्या है। वैसे इसको कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गया इसलिए उतना फ्लावर तो दिखेगा नहीं, फिर भी
थोड़े बहुत आप शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। और जो वैल्यू ऑफ फ्लावर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखो ये सारे फूल्स बहुत ज्यादा खिलते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे कलर के फूल। यहाँ पे ऊपर देखो आप, ऊपर का लैंडस्केप देखो, नीचे वैली का फ्लावर्स देखो। तो ये होता है लुमथांग वैली। चलिए आइए मेरे साथ। तो कैसा लगा आपको ये युमथांग वैली? यही था युमथांग वैली। यहाँ पे तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं इसको, लेकिन फ्लावर्स तो दिख नहीं रहा क्योंकि पूरा बर्फ गिर चुका है। यहाँ पे रिवर भी है और पीछे पहाड़ भी, मतलब पूरा एक लैंडस्केप। जैसे हम लोग स्कूल में पेंटिंग करते थे ना, एक तरफ रिवर एक तरफ पहाड़, वैसा पूरा पिक्चरेस्क एनवायरनमेंट। तो कैसा लगा आपको ये स्लोमो और शॉर्ट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो आज का था युमथांग वैली और जीरो पॉइंट, दोनों ही हो गया। अब शायद हम लोग लाचुंग होटल में जाएंगे, लंच वंच करेंगे, उसके बाद गैंगटॉक के लिए निकल जाएंगे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। गाइज मेक श्योर यू वॉच ऑल द व्लॉग्स एंड रील्स, बिकॉज हमारी हालत बहुत खराब हो रही है यहाँ पे, आप लोगों को हम बता नहीं सकते। हाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, इससे अच्छा अच्छा व्लॉग आप लोगों को अच्छा अच्छा शॉर्ट्स देने के लिए। हम लोग कहाँ कहाँ उतर रहे हैं ये आपको आइडिया भी नहीं है, लेकिन लेकिन आपको कंटेंट जरूर देंगे हम लोग। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग अपने होटल में वापस आ गए हैं, लंच भी हम लोग का हो गया है। जैसा कि मैंने कहा था डिनर के टाइम पे भी कि मैं खाना तो नहीं दिखा पा रहा क्योंकि अलाउड नहीं है। लंच कल के डिनर से एवरेज था टू बी ऑनेस्ट, मतलब लंच में था राइस, दो तरफ का सब्जी, एक पत्ता गोभी की और एक आलू दम, और पापड़ था, दाल था, बस ये सब। तो ओवरऑल खाना ठीक ठाक लगा मेरे को, उतना भी खास नहीं लगा कुछ। तो अभी हम लोग इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं लाचुंग कॉन्टिनेंटल से, और आज हम लोग गैंगटॉक वापस चले जाएंगे। गैंगटॉक में हम लोग का एक दिन का स्टे है। तो रास्ते में अगर आपको कुछ अच्छा दिखने को मिलता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो मैं आपको गैंगटॉक में डायरेक्ट मिलूंगा। ठीक है चलो। तो दोस्तों मैं अभी एक ऐसी जगह पर आया हूँ, वहाँ से तो मैं निकल गया था लाचुंग से, उसके बाद तो रास्ते में वैसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन अभी हम लोगों ने एक ब्रेक लिया, बहुत लंबा जर्नी करके अभी हम लोगों ने एक ब्रेक लिया चाय कॉफी के लिए, और ब्रेक ऐसी जगह पे लिया है कि आपको मैं क्या बताऊं। ये हमारे पैकेज में था भी नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे ब्रेक लो, यहाँ पे आपको अच्छा ब्लॉग शूट भी मिलेगा। तो अब आप देखिए मैं क्या दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो चीज, इस फॉल का नाम है ट्विन ब्रदर फॉल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं एक वहां से वाटरफॉल आ रहा है, एक यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, दोनों मिलके एक जगह पे यहाँ से मिलके जा रहे है ना, कमाल की जगह। मैं देखो कितना नीचा है, वहां पे वो रेस्टोरेंट है, वहां पे हम लोग अभी चाय कॉफी का ब्रेक ले रहे हैं, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू मिल रहा है मेरे को। रुको मैं आपको और सामने से दिखा जाता हूँ। तो ये रहा वो वाटरफॉल,
कितना खूबसूरत है ना ये देखो। चलो अब इसके आपको स्लोमो एंजॉय करो। तो कैसा लगा स्लोमो यहाँ का? बढ़िया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बताओ कैसा लगा ये जगह? बहुत अच्छा है, बहुत। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये व्यू। वैसे मेरा तो फट रहा है इधर, मेरे को पानी से डर लगता है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत से हम लोगों ने तस्वीर खींची है, तो इसके लिए लाइक और कमेंट जरूर बनता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेंगे चाय ब्रेक, उसके बाद हम लोग यहाँ से, और शायद एक घंटे का रास्ता है यहाँ से गैंगटॉक। गैंगटॉक में आज हम लोग का रेस्ट डे, उसके बाद अगले दिन गैंगटॉक से लोकल साइटिंग करेंगे, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। अब डायरेक्ट मैं आपसे होटल में मिलता हूँ। तो मैं आ गया हूँ गैंगटॉक वापस, क्योंकि हम लोग का गैंगटॉक में एक और दिन है गैंगटॉक में लोकल साइटिंग करने के लिए। और मैं जिस होटल में रुका हूँ वही होटल है जो मैं पहले दिन जब गैंगटॉक आया था, होटल निनम्मा, वही होटल में मैंने चेक इन किया, क्योंकि हमारे पैकेज में होटल निनम्मा ही था गैंगटॉक में। तो वैसे मैंने तो आपको होटल निनम्मा का तो रूम रिव्यू दिया ही है, होटल भी कैसा है, खाना कैसा है, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो वापस से दोबारा दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं डिनर स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि आज तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, बहुत दिनों से जर्नी चल रहा है। तो और व्लॉग हो गया बहुत लंबा, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो कल गैंगटॉक में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कहाँ हम लोग लोकल साइटसीइंग करें कहाँ नहीं, वो आपको अगले व्लॉग में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अगर ऐसे व्लॉग और भी देखना चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बन जाइए फैमिली का हिस्सा, और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आपसे आगे की व्लॉग मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।